ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इसलिए सिक्स वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ रहा हूँ। और अभी जो टेस्ट होगा संडे को, उसमें भी क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको नहीं आएगा टेस्ट में। 8.1 में क्वेश्चन नंबर सिक्स आप स्किप कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, एक्सरसाइज 8.1। सारे क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, आराम से देखना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी एग्जाम वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और यही क्वेश्चन आते हैं आपके एफए होगा या हाफ ईयरली एग्जाम होगी, इसमें यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 8.1 क्वेश्चन नंबर सेवन। चलिए ट्रायंगल बनाएंगे पहले। ट्रायंगल आ गया, और क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। और क्या ढूंढना है, इवेल्युएट। वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ही स्लो स्पीड से जाएंगे हर चीज समझकर। आपको देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक साइन, कॉस और कॉट। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चन में साइन कॉस और कॉट इसके अलावा कुछ नहीं मांगा है, और हम ढूंढेंगे भी नहीं। पहले गिवन से शुरुआत कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका एडजेसेंट बाय अपोजिट। अपोजिट, अब थीटा कहीं पे नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैं थीटा सी के ऊपर ले लेता हूँ। चलिए एडजेसेंट आ गया आपका 7 और अपोजिट आ गया 8, राइट। हाइपो पहले फाइंड करना पड़ेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है, 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर 64 49 हो गया 3 1 1। इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, 113 हो जाएगा। होप सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो मुझे बता दो जल्दी से। नो no. चलिए अब क्वेश्चन वन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय वन कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली एक फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो क्लियरली फॉर्मूला दिख रहा है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियरली दिख रहा है हमें, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे भी कर रहा हूँ, वन स्क्वायर माइनस
नीचे भी सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, राइट? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? नो ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे मैंने स्टेप लिखा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई एक बार हाँ या ना तो बोल नो दो। सर, नो सर, चलिए चलिए, यही यही जो स्टेप था आपका टर्निंग पॉइंट था, बाकी तो कुछ नहीं, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, खत्म। चलिए अब वैल्यू रख दी जाए फटाफट जल्दी से। 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना होगा, डायरेक्ट बताओ जल्दी। चलो ये कौन बताएगा, कौन कौन है मीटिंग में? शिवांग बता रहा है? शिवांग नहीं है, शिवांग नहीं है, जैनी बताएगी। चलो साइन थीटा, एक बाय रूट बाय वन वन रूट वन थ्री वन थ्री, जैनी जैनी साइन थीटा की वैल्यू। जैनी मीटिंग में है क्या? जैनी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर, वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट बाय हाइपो, अपोजिट कितना है? 8/√1। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 8/√2 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस टक्स बताएगा कॉस का वैल्यू। कॉस की वैल्यू टक्स, टक्स सुन पा रहे हो? बताओ युक्ति। 7/√1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलने वाला है, 8 का स्क्वायर 64, और रूट हटेगा तो 113, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और रूट हटेगा तो क्या जाएगा, 113 आ जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। ये यहाँ पे चला गया और ये भी यहाँ पे चला गया, इसीलिए 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113, पूरे को डिवाइड करेंगे, 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113, 113 113 कैंसिल हो गया। चलिए कितना आ जाएगा ये, वन वन थ्री माइनस 64 9 फोर्टी नाइन और 49, और नीचे 64 एक बार चेक करो। सिक्सटी फोर ही आने वाला है। चलिए ये सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई वैल्यू, 49/64। और यहाँ पे हम क्वाड की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन था हमारा क्वाड स्क्वायर। क्वाड का फॉर्मूला क्या था? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। अपोजिट थीटा का एडजेसेंट 7 और अपोजिट कितना है 8। यहाँ पे आपको कॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी,
सेवन बाय एट मिलने वाली है, राइट। बट हमें तो कॉट स्क्वायर चाहिए, हमें कॉट स्क्वायर चाहिए। कोई बात नहीं, वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे हम, सेवन बाय एट का भी स्क्वायर कर दो आप। फाइनली आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेवन, सेवन जा 49, एट एट जा 64। देखिए क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा दिया हुआ था सारा कुछ, पर दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा, आप देख सकते हो। इसका आंसर भी कितना आया, 49/64। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो नो। सारे बच्चों को पर्सनली पूछना पड़ेगा, कोई बैठा रहेगा? विध्वनि, युक्ति, श्रद्धा, राधिका, प्रियांशी? नो प्रिंस प्रिंस मानवानी, यस मानवानी, खुशी, जैनी, दिग्विजय? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर, ओ सर, ओ सर, सर, ओके, सर, हाँ, सर एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। कौन सा वाला? पूरा क्वेश्चन? ए प्लस बी, हाँ, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला सिर्फ अकेला बताऊं या पूरा क्वेश्चन करके फिर से बताऊं एक बार? ए प्लस बी से, ए प्लस बी से, अच्छा। पहले एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, रुको। फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आता है इस तरीके से तो इसका आंसर आपको ये लिखना है, ये फॉर्मूला है। कैसे? जैसे मैंने ले लिया 3x माइनस 4 और लिखा 3x प्लस 4। अभी बिल्कुल देखो ऊपर वाले फार्मूले से मैच कर रहा है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 3x हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, 3x a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फॉर्मूले से मैच कर रहा है, राइट। तो इसको हम ए मान सकते हैं, इसको हम बी मान सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब मुझे मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने वाला है। कोई बात नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू कितनी, फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 16। ये तो हमने सीखा कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ठीक है, ये तो हमने सीखा कि फॉर्मूला कैसे लगता है। हमारे क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऐसा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। कैसे लिखेंगे इसको, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या बन रही है, 1, बी की वैल्यू साइन थीटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू साइन थीटा, 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस बी की वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर थीटा, 1 का तो 1 ही रहेगा, साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब इतना जो पार्ट है ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व होके आ गया। सेम कॉस में भी यही कहानी थी, 1 प्लस कॉस थीटा था और 1 माइनस थीटा था। वापस ए प्लस बी करेंगे और यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 बनी, बी की वैल्यू कॉस थीटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कॉस थीटा, वैल्यू रख लेते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 होने वाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं समझ में आया,
चाइनी जैनी यस सर यस सर। अब क्वेश्चन इस तरीके से था, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह पे ऐसा लिखूं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा पूरे की जगह पे, और यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया और इस पूरे की जगह पे मैंने ये लिख दिया ताकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था सॉल्व होके और भी छोटा हो जाए। फिर तो क्या करना था आपको, साइन और कॉस की वैल्यू क्या बनने वाली, देखो क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ओपो बाय हाइपो, देखो ओपो कितना दिया हुआ है 8 और हाइपो कितना है 113 और कॉस की वैल्यू कितनी थी, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या था, एड बाय हाइपो, एड की वैल्यू थी 7 और उसकी वैल्यू थी 113। बस फिर क्या किया हमने, तो वैल्यू रखी यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 आया, रूट हटा 113 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 आया, रूट हटा 113 हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट, मिक्स फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट सिंपलीफाई किया है हमने और फाइनली हमारे पास ये वाला आंसर आया। आई बात समझ में? यस यस। ओके ओके, एक बार प्रैक्टिस करना फिर से, कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर से बताना। चलिए फॉर्मूला अगर आपको लगता नहीं लगा पा रहे तो मुझे बताओ, एक बबार जो एलजेब्रा के मेन 3-4 फॉर्मूले हैं उसके ऊपर हम एक सेशन कर लेंगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अभी। वेरीफाई वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आराम से करेंगे इसको, 8 नंबर वेरीफाई बोला आपको, वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। वन माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए, ऐसा है या आपको वेरीफाई करना है, मतलब आपको LHS RHS इक्वल दिखानी है, क्या सच में ऐसा है, ऐसा आपको वेरीफाई करना है और फिर करके दिखाऊंगा कैसे करना है। और गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4, पहले डायग्राम ला दी जाए, डायग्राम के बिना कुछ नहीं होने वाला। चलिए कॉट की बात चल रही है, यहाँ से मैं थोड़ा सा गिवन है उसको चेंज करूँगा, मैं इस 3 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये हो गया कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 राइट। अभी कॉट, कॉट का फॉर्मूला मालूम है मुझे, कितना हो जाएगा एडजेसेंट बाय अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया अपोजिट। थीटा कहाँ पे लेना है आपको, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, अपोजिट है 4 और एडजेसेंट हो गया आपका 3। सर अपोजिट 3 है, हाँ अपोजिट 3 दिया हुआ है और एडजेसेंट 4 दिया हुआ है। चलिए अब आपको दिख गया होगा 3, 4 और 5 है ट्रिपलेट, तो मैं हाइपो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे,
क्योंकि आपको मालूम है थ्री फोर और फाइव कैसे हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर दो साइड थ्री और फोर हैं तो चौथी साइड कौन सी होती है, फिफ्थ, उसके नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है उसकी, फाइव आती है। तो मैं यहाँ पे हाइपो से फाइंड नहीं करने वाला, आपको मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने। चलिए, क्या क्या किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है आपको सॉल्व करने के लिए, टेन आ रहा है, कॉस है और साइन है, तो एक काम करते हैं साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओपो हाइपो, कॉस एड हाइपो, टेन ओपो एड साइन, साइन ऑपोजिट थीटा अपोजिट थ्री बाय फाइव, फोर बाय फाइव, अपोजिट कितना थ्री बाय फोर। चलिए, ये अभी क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी चीज़ें निकालनी ज़रूरी थी। अभी मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, वन माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये सच में दोनों साइड बराबर है, क्या ये मैंने बराबर लिखा है कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते करते जाएंगे, लास्ट में दोनों के आंसर सेम आएंगे तो समझ जाएंगे कि ये दोनों बराबर है। चलिए, वन का वन वन लिख दिया मैंने और टेन थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है थ्री बाय फोर है, बट यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, डिवाइड बाय वन प्लस टेन थीटा थ्री बाय फोर, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर रहा हूँ, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी फोर बाय फाइव, स्क्वायर है बीच में माइनस, साइन की वैल्यू कितनी थी थ्री बाय फाइव। चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन बाय सिक्सटीन, और यहाँ पे वन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन बाय सिक्सटीन हो गया, इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन बाय ट्वेंटी फाइव। दोनों साइड साइड बाय साइड आराम से सॉल्व करते करते आएंगे, मिक्स फ्रैक्शन कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे 16 गया ऊपर, 16 वन जा 16 माइनस नाइन बाय 16 होल डिवाइड बाय 16 प्लस नाइन डिवाइड बाय 16, दोनों का एलसीएम सेम है इसलिए मैं एक बार ही लिखूंगा। चलिए, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 डिवाइड बाय 16 होल डिवाइड बाय 16 प्लस 9 25 देखो 16 यहाँ पे हो गया 7 बाय 25। ठीक है, ये 16 कट हो गया, 7 बाय 25 इज इक्वल टू 7 बाय 25, ये वाला यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे LHS वो RHS के बराबर है, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर ये चीज लिख सकते हो, ये वेरीफाइड है, हमने वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
लिख सकते हो क्योंकि सॉल्यूशन करने के बाद दोनों के आंसर सेम आते हैं। आपने अभी देखा एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। सेक्शन सी 4 मार्क या 3 मार्क, सेक्शन सी 4 या 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये। और हो सके संडे एग्जाम में लूँ, टेस्ट लूँ, तो इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिले आपको। फुल प्रैक्टिस कर लेना इसकी। चलिए, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो नो नहीं ना, ओके। अगर टाइम बचा तो एक क्वेश्चन ले लेंगे हम, अदरवाइज कल। ओके ठीक है, यहाँ तक ही रखेंगे, अभी हम आगे नहीं जाएंगे। कल सैटरडे है, इसी टाइम पे मिलेंगे वापस, और 8.1 को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो संडे टेस्ट होगा, संडे टेस्ट में सबको वॉइस आ रही है क्लियरली? यस। ध्वनि का कुछ माइक प्रॉब्लम है, ध्वनि माइक नहीं दिख रहा तुम्हारा। ध्वनि वॉइस आ रही है? यस। उसने ऑडियो ही नहीं, उसने ऑडियो ही नहीं। ओके, संडे को जो टेस्ट लेंगे, अब ध्यान से सुन लेना सब लोग, उसमें आपका सिर्फ एक्सरसाइज 8.1, संडे में जो टेस्ट होगा उसमें आपका एक्सरसाइज 8.1 अकेला आएगा, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा बाकी सारी बातें आ सकती है। और मैंने आपको आयनिक चार्ट लिखवाया था, तो हो सकता है मैं इस बार उस आयनिक चार्ट में से एक दो क्वेश्चन पूछूं, तो आप एक बार आयनिक चार्ट भी प्रॉपरली देख लेना। मैं उस आयनिक चार्ट का यूज़ करते हुए कुछ फार्मूलेज बनाने के लिए बोला जाएगा, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला कैसे बनता है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी डालूंगा, ठीक है। साथ में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको लिखने के लिए एक बार बोलूंगा, वो क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का। पहला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, राइट डाउन द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके फॉर्मूले, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो उसमें आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं। साइंस का बाद में रखो, चैप्टर पूरा हो जाए बाद में, पहले मैथ्स करो। नहीं नहीं नहीं, पहले मैथ्स करो, क्योंकि कार्बन केमिस्ट्री में आपको आयनिक चार्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप फिर प्रैक्टिस करना ही भूल जाएं। एक ही क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री का, तो सिर्फ आयनिक चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ही रहेगा। अभी मैं कार्बन कंपाउंड का कुछ नहीं पूछने वाला हूँ, सिर्फ 80% फोकस आपका रहेगा 8.1 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़कर। आयनिक चार्ट मतलब आपने, और दूसरी तो बात, आपने तो नहीं कराया आयनिक चार्ट, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है आपको, डेली लिखने के लिए भेजा हुआ है मैंने, जिसमें आपको डेली लिखने के लिए बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और आयनिक चार्ट डेली में आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, वो आपको लिखने हैं, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी केमिस्ट्री के ऊपर। दूसरी बात, काफ़ी सारे बच्चों ने लास्ट संडे को होमवर्क सबमिट करवाया था, काफ़ी ने होमवर्क सबमिट नहीं करवाया। इस बार मैं चाहता हूँ कि 20 के 20 बच्चे सबकी नोटबुक मुझे, टेस्ट नोटबुक और होमवर्क नोटबुक मुझे मिले इस बार, और जिन्होंने सबमिट करवाई है वो कल शाम तक, मैंने नोटबुक आपको चेक करके रखा हुआ है, आप मेरे घर से कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि आप मतलब बिल्कुल ब्लैंक रहो, कुछ बेसिक पता ना हो। मैं इसलिए आपसे अभी लिखवा रहा हूँ ताकि जब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ तो मुझे आप एक प्रॉपर बेसिक के साथ मिलो, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पता रहना चाहिए। फिर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको इवन आपकी बैलेंसी भी आप भूल जाओगे, ऐसा ना हो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना। चलिए, कुछ किसी को कुछ पूछना है टेस्ट के रिगार्डिंग या कुछ मतलब? सर टाइमिंग बोल दो बाद में। मैं एक दिन यहाँ पे 8:30 बजे था, तो मैं 8:30 से लेकर बैठी थी, पर आया बहुत लेट था। कब वो टेस्ट? संडे का पेपर, वो टेस्ट संडे का। हाँ देखो, सैटरडे को आपको शेड्यूल मिलता है, अगर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो ही आपको वो टाइम फॉलो करना है, अदरवाइज जिन बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट का एक ही टाइम है 10:00। ओके, जो टाइम टेबल है वो आपको कब फॉलो करना है, कि अगर आप घर पे आकर टेस्ट देना चाहते हो तो वो उसके लिए वो टाइम टेबल है,
अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आपका पेपर 10 बजे ही आएगा, वो भी ग्रुप में, और नोटबुक सबमिट आपको 11:20 के पहले पहले कर देना है, ठीक है? चलो, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो कल हम 8.1 कंप्लीट करेंगे, संडे आपका टेस्ट में आ जाएगा, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएगा और एक क्वेश्चन फाइनल रहेगा जिसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखने, टेबल भी सब कुछ, 5 मार्क क्वेश्चन रहेगा उसमें, तो आप फॉर्मूले एक बार देख के आओ। चलिए, कल वापस मिलेंगे, पढ़ाई करते रहो, होमवर्क करते रहो, कुछ नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप करते रहो डाउट सबने। चलिए, गुड बाय।